प्रदेश की शिवराज सरकार स्कूली विकास के भले लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। सागर में एक स्कूल ऐसा है जहां नन्हे नन्हे मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर ही पहुंच पाते हैं। आइए देखते हैं एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है सागर के एक सरकारी स्कूल का, जहां नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को स्टंट करके अपने स्कूल पहुंचना पड़ता है। दरअसल यहां सांसद का गोद लिया ये गांव बरोदा 4 साल के बाद भी अब तक मुख्य रोड के लिए तरस रहा है। इस परेशानी से कई बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो वहीं कई बच्चे अब भी इस तरह स्टंट करके स्कूल जाने को मजबूर है और जिम्मेदार मौन है। खतरनाक रास्ते पर चल रहे ये बच्चे जेसी नगर ब्लॉक के बरोदा मिडिल स्कूल के हैं, जिन्हें रोजाना जान जोखिम में डालकर अपने स्कूल जाना पड़ता है। आरोप है कि जिले के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल परिसर बदल दिया और सांसद के गोद लिए गांव के सूरत हाल ऐसा है कि अब नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को स्टंट करके गंदगी से पड़े रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। बहुत ऊपर तक आ जाता है, ये भीन भी जाती हैं। कितना भी अपन ये पेंट ऊपर करो तो भी भीन जाते हैं। मीला ग्राम के पास वो लगती है वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर भी ग्रुप बट गए हैंगे ना सर, इसलिए वह यहाँ आने पर यहाँ पर आने पर हम लोग यहाँ यहाँ तक भीग जाते हैं। और स्कूल में भी कोई स्कूल में भी व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक भर जाता है और घर जाते जाते कुछ बच्चे बह भी जाते हैं और जहरीले जीवों का भी डर होता है। पहले हाई स्कूल के यहाँ मिडिल लगती थी, अब यहाँ पर मेला ग्राउंड में आ गए हैं। पानी भर हो रहे थे, अभी तो तरह गिट्टी भी नहीं तो बने कांच और तो परेशानी। 12 महीना बहता पानी में, बरसात के समय में तो वो बहता ही रहते, माने अपने पाँव से ये थे गिर जाती, कई बच्चा मोटर गाड़ी भी गिर जाती। रोड में अब ऐसी समस्या, अब काम ही नहीं हो रहा, कोई कराई नहीं रहा, पगवार गिरी और मैं रास्ता गाँव। दरअसल हाई स्कूल प्रांगण में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल की क्लास लगती है, लेकिन जिले के शिक्षा अधिकारी ने माध्यमिक स्कूल, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में लगती थी, को अनंतर लगाने का फैसला सुना दिया है। शिक्षा अधिकारी का ये मौखिक आदेश कहीं से भी प्रैक्टिकली नहीं है, जिस वजह से बच्चे खतरनाक राह पर चलने को मजबूर है। मैं इसका परीक्षण कराया है, एक्चुअली पहले जो शाला थी वो हाई स्कूल लगती थी, गांव में ही एक नई बिल्डिंग बनी हुई है माध्यमिक शाला के नाम से, जिसमें 3 कमरे हैं, तो बच्चों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में बरसात है और पानी है, तो हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, यदि संभव होगा तो अभी पुनः हाई स्कूल में शिफ्ट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो नाला है उसके आसपास का रास्ता ठीक कराएंगे, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना। इस परेशानी को देखकर इस गांव के कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है, तो कुछ लोगों ने नाम कटाकर कहीं दूसरी जगह पढ़ाने जाने को लगे हैं। अब देखना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी के इस फरमान से और कितनी परेशानियों का सामना इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज सागर।